अस्सलाम वालेकुम फिटनेस फिट के तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद। जी आया नू दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि रमज़ान का बबरकत महीना चल रहा है, तो मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा आज ज़बरदस्त नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि रोज़मर्रा में आप खजूर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह मैं आज आपको बताऊँगा खजूर आपने उस तरह खा लेनी है, यकीन जाने 10 अरबी मर्दों की ताकत आपको एक ही दिन में मिल जाएगी। आपसे ताकत संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। खजूर खाना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको पचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आपने बड़े गौर से सुनना है दोस्तों, खजूर अच्छी वाली आपने लेनी है और लेकर किस तरह उसके साथ क्या चीज खानी है और किस तरह इस्तेमाल करनी है, या आगे चल के मैं वीडियो में बताऊंगा। खास तौर पर उन अहबाब के लिए है, उन मौलवी हजरात के लिए है, या उन नए नमाजियों के लिए है जिनको पेशाब करने के बाद करते आते हैं, वजू टूट जाता है या उन पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, तो उनके लिए मैं ये आज नुस्खा लेकर हुआ हूँ। ताकत आएगी तो कतरे आना बंद हो जाएंगे। दोस्तों आज एक ऐसा नुस्खा बताने लगा हूँ कि जैसा कि आपने शुरू में सुना कि मैं बता रहा हूँ कि आपको खाना आसान लगेगा, लेकिन इसकी ताकत बचानी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ये कतरे आना बंद हो जाएंगे, इत्तलाम सूरत अंजाल जरियान वगैरह का इंशाल्लाह खात्मा हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त चीज है, बड़े गौर से आपने सुनी है। लेकिन उससे पहले एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिटनेस के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पहले आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके और कोई भी वीडियो आप मिस न कर सके। तो सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्तों, अच्छी वाली आपने खजूर ले लेनी है। खजूर लेकर उसमें आपने क्या करना है, पिस्ता बिल्कुल बारीक काट कर उसमें स्टफ कर देना है, यानी उसके अंदर भर देना है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। 2 खजूरें रोजाना शाम को आपने खा लेनी है। इंशाल्लाह आपको जैसा कि मैंने शुरू में बताया है, इन तमाम मसलों का हल हो जाएगा, कतरे आना बंद हो जाएंगे, ताकत आपकी स्टोर होना शुरू हो जाएगी। बजाय कि आप उल्टे काम करें, आप अच्छे काम की तरफ आएंगे। जब आप में ताकत आएगी तो आप खुशगवार जिंदगी गुजार सकेंगे। दोस्तों मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। मुझे अब दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ गाली से भी नए और बहुत ही बेहतरीन नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।